फर्मवेयर की बात करते हैं आज। फर्मवेयर जिस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, इसी तरीके से फर्मवेयर भी है। थोड़ी सी आजकल इसकी परिभाषा बदल गई है। जैसे मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से फर्मवेयर आज थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। लेकिन एसेंशियली ये क्या चीज़ होती है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके हार्डवेयर डिवाइस के लिए फर्मली आपने लिख दिए हैं और हार्डवेयर डिवाइस में ये प्रोग्राम हो गए हैं, यानी कि ये फर्म हो गया। इसका नाम जो फर्म है ना, फर्म का हिंदी में मतलब होता है कि तगड़ा, यानी तगड़ा माने जो द्वारा निकल नहीं सकता। फर्मली अटैच्ड, एक बार जैसे गोंद से चिपका दिया आपने तो फिर वो दोबारा नहीं निकल सकता, इस तरीके से इसको फर्मवेयर कहा गया था। और ये इसके लिए आप एक तरीके से आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सोच सकते हैं जो आपने हार्डवेयर में एम्बेड कर दिए हैं या फिर एक तरीके से प्रोग्राम कर दिया है उस हार्डवेयर में, और सर्किट के थ्रू, जिसमें हार्डवेयर सर्किट की बात हो रही है। एक तरीके से इसको आप हार्डवेयर और अपने सॉफ्टवेयर के बीच में एक लेयर भी मान सकते हैं, और इसको हम इसीलिए क्योंकि ये एम्बेड कर दिए जाते हैं या फिर एक तरीके से निहित कर दिए जाते हैं, इसीलिए इसको हम एम्बेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसीलिए ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब ये है कि वो चेंज नहीं हो सकते और चेंज नहीं होते। लेकिन जो मैं ये शब्द कह रहा हूँ, इसको आप आगे जानेंगे कि अब ऐसा नहीं है, दे हैव चेंज देयर शेप्स एंड फॉर्म, बहुत इतने सालों में इन्होंने अपने आप को चेंज किया है। और रॉम चिप्स में डाले जाते हैं, जैसे रॉम, अलग टाइप की रॉम जो आती है। रॉम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, उसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते। लेकिन आजकल सब ये जो आपके फर्मवेयर हैं वो फ्लैश चिप्स में डाले जाते हैं। यहाँ पर इनकी जगह है, अगर हम देखें आपके ये आपके एप्लीकेशंस होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होगा, यहाँ पर कर्नल होगा, यहाँ पर असेंबलर वगैरह है, ये हार्डवेयर है। इसके इसकी जो जगह है वो यहाँ पर आती है, इस जगह पे ये फर्मवेयर आता है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो बायोस, आपके सबके सिस्टम में बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो सिस्टम जब आप चालू करते हैं तो उस समय जो कार्रवाई होती है सिस्टम में वो बायोस करता है। तो मतलब ओएस लोड होने से पहले वो सारा काम बायोस करता है। जैसे IBM कंपैटिबल पर्सनल PCs जो होते हैं उनमें आपको मिलेगा, कई सिस्टम से मिलेगा आपको, मोस्टली सिस्टम से मिलेगा। बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका राउटर है, जो हार्डवेयर डिवाइस होता है, नेटवर्किंग डिवाइस राउटर, वहाँ पर आपको मिलेगा। अब आपका जैसे हाथ में आईपॉड्स रहते हैं, उसमें जो कंट्रोल मेन्यूज हैं वो सारे के सारे आपके एम्बेडेड हैं, यानी कि वो फर्मवेयर्स हैं। तो फर्मवेयर आपको हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मिलेगा। अब करता क्या है, काम क्या है इसका? सबसे पहले तो ये है कि जो डिवाइसेज हैं, अलग अलग डिवाइसेज हैं या अलग अलग आपके पेरिफेरल कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं सिस्टम के, कंप्यूटर के, उनकी जो कैपेबिलिटीज है उनको पहले तो फंक्शनल बनाता है। उसके अलावा एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कोऑर्डिनेशन का काम, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द हार्डवेयर। जब आपका नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा हो, और इसमें क्योंकि प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट होते हैं उन हार्डवेयर्स के लिए, तो उन हार्डवेयर को चलाना और उनको कोऑर्डिनेट करना, ये इसका काम है फर्मवेयर का। क्योंकि एक्चुअली इसमें तो प्रोग्राम लिखा होता है, हार्डवेयर प्रोग्राम है बेसिकली, तो वो उसको कोऑर्डिनेट करता है कि अगर इफ ये आएगा तो बट ये करना है, देन ये करना है, तो एल्स ये करना है। जैसे आपका मॉडेम है, मॉडेम क्या करेगा, जैसे आप मॉडेम डेटा रेट हो या कमांड सेट रिकॉग्निशन हो या कोई और स्पेशल फीचर है, इन सब को हैंडल करेगा मॉडेम, क्योंकि इसके अंदर फर्मवेयर लिखा हुआ है आपने। अब किस तरीके से डेवलप किया जाता है, ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में डेवलप किया जाता है। यदि आप मशीन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और नहीं लिख सकते तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाए, जैसे आप इसको सी में भी लिख सकते हैं। बहुत सारे एम्बेडेड जो आपके सॉफ्टवेयर है वो सी में लिखा जाते हैं, तो और भी आपके पास लैंग्वेजेस हैं, लेकिन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। और क्योंकि सी तो हाई लेवल हो गया, बट क्योंकि हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग मोस्टली उसमें की जाती है। एक चीज़ और है कि डेवलपमेंट साइकिल उसी तरीके से होता है जिस तरीके से आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, उसी तरीके से रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है, उसी तरीके से डिज़ाइन होता है, और उसी तरीके से इसकी टेस्टिंग होती है। लेकिन जो टेस्टिंग होती है वो बड़ी रिगरस होती है। तो देखिए यहाँ पर ये लास्ट लाइन में मैं आ जाता हूँ, मस्ट बी वेल टेस्टेड। ये छोटी सी लाइन है लेकिन इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। उद्देश्य ये कहता है कि टेस्टिंग इतनी तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये आप सॉफ्टवेयर तो है नहीं कि आपने इसका नया वर्जन निकाल दिया, आपको तो इसको हार्डवायर्ड करना है। इसको मतलब एसेंशियली सिस्टम में जो आपके अलग अलग सर्किट है उसके थ्रू इसको बना के लगा देना है। अब ये लगा दिया आपने तो टेस्टिंग कितनी तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपने कर दिया तो उसको बार बार करना इतना आसान तो है नहीं।
डेवलपर्स को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दो चीज़ों की, एक तो ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा उसको जानकारी होनी चाहिए हार्डवेयर को, हार्डवेयर की प्रोडक्ट की। क्योंकि क्या होता है कि जैसे AMD है, इंटेल है, अलग अलग प्रोसेसर्स हैं, अलग अलग सिस्टम्स हैं, अलग अलग उसमें मदरबोर्ड आते हैं, अलग अलग जो सिस्टम से अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, उनका इंस्ट्रक्शन सेट अलग होता है, वहाँ पर डेवलपर को बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ आनी चाहिए। फर्मवेयर एक तो अपग्रेडेबल होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, और आज तो खैर ओपन सोर्स भी हो गए। जैसे पहले फर्मवेयर रीएडिटेड नहीं हो सकते थे, यही मैं बता रहा था आपको स्टार्टिंग में कि इन्होंने अपना शेप और फॉर्म चेंज कर दिया, तरीका चेंज कर दिया है। पहले आप इसको दोबारा लिख नहीं सकते थे, अगर आपका बायोस अपडेट आउटडेट हो गया तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते, आपको नया मदरबोर्ड ही लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा अब नहीं है, अब फर्मवेयर जो है उसको अपडेट किया जा सकता है, क्योंकि फर्मवेयर अब फ्लैश मेमोरी में रहते हैं रॉम की जगह। लेकिन फ्लैशिंग फर्मवेयर की ये भी थोड़ा एक रिस्की काम है, क्योंकि डिवाइस तब तक बूट नहीं करेगा जब तक ये आपका फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। अगर ये इंटरप्ट हो गया या फिर करप्ट हो गया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। आपको याद है आपके सिस्टम्स में वो बोलते हैं कई बार ऐसे मैसेज आता है कि डोंट क्लोज योर सिस्टम, इस सिस्टम को बंद ना करें जब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती। क्योंकि वो कार्रवाई अगर पूरी नहीं किया आपने तो हो सकता है कि सिस्टम के में कोई ऐसा इफेक्ट करे कि सिस्टम चले ही ना बाद में। तो वो सब चीज़ें इसी से रिलेटेड होती है। अब जैसे आपका रिकॉर्डिंग डिवाइस है या ऑप्टिकल मीडिया राइटर्स है, जैसे DVD, HD, Blu-ray, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है अपग्रेडेशन का, वहाँ उसमें रेगुलर अपडेट होता रहता है। पहले या कुछ सालों पहले हर डिवाइस अपने फर्मवेयर पे चलता था, मतलब हर डिवाइस के लिए अपना कोड हार्डवायर्ड होता था। लेकिन बहुत एक सोचने के बाद और इतने सालों का एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मैन्युफैक्चरर्स ने ये पाया कि जो फर्मवेयर है अगर होस्ट सिस्टम में, जिस सिस्टम में चीज़ें डाली जाती है, अगर उसमें ही हो तो एक तो चीपर भी पड़ेगा, फ्लेक्सिबल भी होगा। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे जो करंट हार्डवेयर है वो उतने वो काम तो करते हैं, लेकिन जब तक उसमें रिक्विजिट फर्मवेयर ना डाल जाए वो ठीक से काम नहीं करते। तो ये आपको बहुत जानकारी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा कि आज जो फर्मवेयर्स हैं वो आपको सिस्टम में ही मिलेंगे, और हार्डवेयर मतलब मैन्युफैक्चरर अब उसमें नहीं ध्यान दे रहे हैं। और जो फर्मवेयर है, जिस तरीके से डिवाइस ड्राइवर आज हम कहते हैं, ये डिवाइस ड्राइवर का काम ही होता है कि जो पेरिफेरल डिवाइस है या हार्ड जो भी चीज़ सर्किट से बनी हुई है, वो सर्किटरी को OS को नोन कराना और OS के साथ उसका कोऑर्डिनेशन करना, चलाना, ये सारा काम आपका फर्मवेयर का ही है। जैसे डिवाइसेस हैं, अब मैंने एग्जांपल दिया है, अब इसका ड्राइवर आपको यूज़ करना है, जैसे लिनक्स कर्नल है, ड्राइवर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका फर्मवेयर डालना पड़ेगा /lib और /firmware में। ये जो लिनक्स का फोल्डर है /lib/firmware, इसका फोल्डर है फर्मवेयर के लिए, तो पहले यहाँ डालना पड़ेगा उससे पहले कि आप डिवाइस को यूज़ कर सकें। और ओपन सोर्स भी हो गया है ये, क्लोज सोर्स तो खैर था ही जब हम डेवलप किया करते थे कुछ सालों पहले, लेकिन आज जो है ये ओपन सोर्स हो गया है। आपको जैसे राउटर के लिए मिल जाएगा लिंक से सही, ओपन सोर्स मतलब होता है इसका कोड अवेलेबल हो, आप चेंज कर सकते हैं उसमें, और आप यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, और एक तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से लिनक्स बायोस है, ओपन बायोस है, सारे के सारे एग्जाम्पल हैं ओपन सोर्स के। बायोस सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस। अब ये जो फर्मवेयर है तो सब सिस्टम में चलते हैं, कोई भी सिस्टम की बात करें आप, तो जैसे ही आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं ये बिल्कुल चलना शुरू हो जाता है बायोस। जैसे मैंने आपको बताया था ना, सिस्टम बूट होता है तो जो चीज़ें मेमोरी टेस्टिंग ये सब हो रही होती है, ये सब बायोस का काम है। और ये क्या करता है, मदरबोर्ड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं या फिर पेरिफेरल्स हैं, पेरिफेरल्स मतलब जो होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर तो नहीं होते लेकिन कंप्यूटर के साथ काम करते हैं, उन पेरिफेरल्स के साथ भी काम करता है। जैसे प्रोसेसर हो गए, कैश हो गया, चिप्स मेमोरी हो गई, ग्राफिक कंट्रोलर, मास स्टोरेज कंट्रोलर, जितने भी IO कंट्रोलर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर बायोस ही उसे हैंडल करता है। उसके बाद जो ये सब चेक वेरीफाई हो जाते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके बाद ये टू टू की जो आवाज़ आती होगी कई बार खराब हो जाता है, ये अगर खराब होगा कुछ तो टू टू की आवाज़ दे देगा। हर एक टू टू की आवाज़ का मतलब होता है, जैसे 6-5 बार बीप करेगा, टू टू मतलब बीपिंग कितने बार बीप कर रहा है, बीप जितने बार करेगा उतने बार आपको समझ में आ जाएगा कि अभी ये रैम की प्रॉब्लम है या मदरबोर्ड की में किस पर्टिकुलर चीज़ की प्रॉब्लम है। और उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक से चल जाएगा, बायोस सबसे सब कुछ देख लेगा अच्छे से, उसके बाद ये बूट लोडर लोड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और सारा कंट्रोल जो है इसका
ओएस को दे देगा, अब ओएस कंट्रोल करेगा इसको, इसीलिए आपका कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपर शटडाउन करना पड़ता है। एब्रप्टली शटडाउन करेंगे तो जो फर्मवेयर और ओएस के बीच में कोऑर्डिनेशन है वो खराब होगा और उसके बाद हार्डवेयर डिवाइस में प्रॉब्लम आने की शिकायत आती है उसके बाद। लेकिन अब बायोस केवल इतनों को छोड़ के, इन सब कामों को छोड़ के वो आगे बढ़ गए, वो हॉट स्वैपिंग यानी कि आपने पेन ड्राइव डाली, पेन ड्राइव निकाल ली, या थर्मल मैनेजमेंट, कोई ओवर हीटिंग हो रही है, इन सब को भी हैंडल करता है बायोस। इसी तरीके से एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस EFI ये इन्वेंट किया गया है जिससे आपकी बायोस की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस किया जा सके। लिनक्स बायोस और ओपन बायोस जो है उनमें ये सब काम हुए हैं, इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है आपको। तो ये इसको ऐसे कह के कंक्लूड करते हैं कि फर्मवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में आपका लिंक बिठाते हैं और बहुत आज के समय में काफ़ी इनमें ग्रोथ हो गई है। अभी मैंने आपको जो बताया वो सारी ग्रोथ ही है और बेसिकली इस फर्मवेयर इज जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर। अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं तो आप फर्मवेयर प्रोग्रामर भी बन सकते हैं। तो ये बात हुई आपकी फर्मवेयर की, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।